आज नया साल है और नए साल पर नवीनता का आह्वान करते हैं। नवीनता विचारों के अंदर, एक दूसरे को हम नए साल की मुबारक तो जरूर देते हैं, लेकिन आज से हम एक नए युग की मुबारक दें। नव युग मुबारक हो, पुराना समाप्त हो जाए, जीवन के अंदर भी एक आज से नया अध्याय आरंभ करें। और वो नया अध्याय एक नया युग लिखने वाला बन जाए। आज के दिन पर विशेष कई स्थानों पर ब्रजमंडल के अंदर गोवर्धन पूजा होती है। अब पर्वत की पूजा, वृक्षों की पूजा हम क्यों करते हैं? बहुत सुंदर भाव लिए हुए आज का दिन है। भावार्थ यही है, वृक्षों की पूजा, पर्वतों की पूजा, गाय की पूजा, अर्थात मनुष्य संसार के अंदर जब आता है अकेला नहीं होता है। पेड़ पौधे, वृक्ष और पशु पक्षियों के साथ उसका जीवन बहुत गहरा संबंध रखता है। और इसीलिए खाली हमें अपने को या हमारे एनवायरनमेंट को खाली प्रोटेक्ट नहीं करना है, उसकी सुरक्षा खाली नहीं रखनी है, लेकिन मनुष्य जीवन के अंदर गाय माता का भी एक बहुत बड़ा संबंध है, यानी पशु पक्षियों को भी हमें सुरक्षित रखना है, उनके भी कहीं पर भी हत्या न हो, कोई वायलेंस न हो। जितना पशु पक्षियों से भी हम प्यार करते तो प्रकृति से भी प्यार करें। आज के दिन एक पेड़ जरूर लगाएं, और एक पेड़ लगाते हुए हम उस पेड़ के माध्यम से अपने इस पृथ्वी को सुरक्षा की ओर ले जाते हैं, जहां मानव जीवन की सुरक्षा हो। पूजा करना माना उसके प्रति श्रेष्ठ भाव, पूजा करने तक न हो लेकिन उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी हम सबकी है। तो इसीलिए पेड़ पौधे आदि की सुरक्षा ये हमारा दायित्व है, पशु पक्षियों की सुरक्षा ये हमारा दायित्व है। तो आज गोवर्धन पूजा खाली न करें, लेकिन ये संकल्पबद्ध बन जाए कि आज से लेकर के इनकी रक्षा की जिम्मेवारी भी हमारी है। तभी तो हम नया साल मनाएंगे, नए युग का आवाहन कर सकेंगे। तो इसीलिए गोवर्धन पूजा माना हमारी पूजा सच्ची यही है कि हम हर एक को जीने का हक दें, उसके जीने की व्यवस्था बनाए रखें, और तभी हमारे अपने जीवन की व्यवस्था भी बनी रहेगी। हम अपने मनुष्य जाति की भी सुरक्षा बनाए रखेंगे। तो आज के दिन नए साल की, नए युग की, नए विचारों की बहुत बहुत बधाइयाँ हो, शुभ मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति।